हाय हेलो नमस्कार मुझ दशमता आपको स्वागत करती बेंगा चैनल को। तो आप पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आसी जो वीडियो रे कि हमें ओट पुलिस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रिपेरेशन करवाक जाऊे मेनली आम फोकस अच्छे एमसीक्यू पैटर्न उपर। तो बहुत गुड़ी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मुझे तार क्वेश्चन सहित आंसर आपंक फुल्ली डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में जनईची। तो वीडियो को लास्ट जाए देखु आपसी नर्सिंग ऑफिसर पर प्रिपेरेशन जब करें बहुत हेल्पफुल रोक। तो वीडियो को लास्ट जाए देखो जब आपको वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कमेंट आउ सांग सहित सेयार करूँ आउ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु जमीक एमती किसी नुआ भिड आपखे शीघ्र पहुँच पार। तो आसतु आम भिडियो स्टार्ट करवा देखो ओट पॉलिसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेरेशन ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन को जीवा तो फास्ट क्वेश्चन आम कौन अच्छी व्वेन द क्लाएंट क्या ब्रिथ ओनली इन अपराइट पोजिशन इट इज टर्न आज ठीक अच्छे। तो गोटे क्लाएंट जितेबाला आम अपराइट पोजिशन में केवल ब्रिथ कै तो आम कौन कह ठीक अच्छे। अप्सन ए अर्थोपनिया अप्सन बी डिस्पनिया अप्सन सी ट्राकिपनिया अप्सन डी दैट इज आपनिया। तो यार जब आंसर आपको जना जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु। तो देखु मेनली आमर जी आपनिया को आपनिया हूँ आबसेन्स अफ ब्रिदिंग ठीक अच्छे। तो ट्राकिपनिया ये तो मेनली हेनी कारण आबसेन्स अफ ब्रिदिंग ये ट्राकिपनिया कौन ना इनक्रीज ब्रिदिंग इन ब्रिदिंग पैटर्न जब आम इनक्रीज होन ट्राकिपनिया। तो ट्राकिपनिया भी ये हेनी देन हूँ डिस्पनिया डिस्पनिया कहले आमर डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग तो यहीटा भी हेनी। अर्थोपनिया कहले आमर जितेबले आमर ले डाउन गोटे पेसेंट ले डाउन होश्वास निए जितेबाला गोटे पेसेंट ले डाउन होश्वास निए से डिस्कम्फर्ट फिल हुए ठीक अच्छे। तो डिस्कम्फर्ट फिल हेले से बसिकी ने निश्वास चेस्टा कै जोटा कि आम अपराइट पोजिशन तो ताकूर कहा जाए अर्थोपनिया ठीक अच्छे। तो मेनली अपराइट पोजिशन जो गोटे क्लाएंट लौच अर्थोपनिया पोजिशन कह। तो आपको मुझ पोजिशन देखे दूसरी केमती तो आंसर है अप्सन ए। तो देखी नि मैंने अपराइट पोजिशन कहले गोटे क्लाएंट जमा भी ले डाउन मैंने जमा भी शोकरी निश्वास नहीं पार मे भी यार लंग लंगस आउ कार्डियाक्र किसी डिस्कम्फर्ट हुए। तो देखो एमती गोटे पेसेंट बसिकी हो स्ट्रेट ना ठिया हो ताकू निश्वास नापी प्रोसेस नापी इजी लगुव ठीक अच्छे। तो आपने भावी बुझीपारे तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी दुई नंबर क्वेश्चन देखो दुई नंबर क्वेश्चन कौन दे ए पर्सन विथ डायबिटीज मेलेटस इज आस्किंग यू द कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम वन टीस्पून ऑफ सुगार योर आंसर वुड बी। तो जन डायबिटीज मेलेटस पेसेंट अच्छी तो सी कहूँ कि गोटे टीस्पून ऑफ सुगार रे आमर केते कैलोरी ऑब्टेन हम ठीक अच्छे। तो मैंने आमर से आंसर कौन रोक ठीक अच्छे देखो ऑप्शन ए 5 ऑप्शन बी 10 ऑप्शन सी 20 ऑप्शन डी दैट इज 50 केते कैलोरी आपंकर गोटे टीस्पून ऑफ सुगार रे कंटेन करे। तो आपको जब राइट आंसर जना जल्दी तो कमेंट कर दिंतु। तो आर राइट आंसर मुझे आपको देखे दूँ तो दुई नंबर राइट आंसर हूँ दैट इज ऑप्शन सी दैट इज 20। तो ठीक अच्छे तो 20 कैलोरी आम कंटेन करे 1 टीस्पून ऑफ सुगार। तो देखो 1 टीस्पून ऑफ सुगार हाज अबाउट 5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 20 कैलोरीज। तो 5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 20 कैलोरीज आम कंटेन करे 1 टीस्पून ऑफ सुगार। एमती बहुत गुड़िया सिचुएशनल क्वेश्चन भी आसे तो आपने एमसीक्यू को प्राक्ट कलापर आपश्चिंत जापर। ए क्लाएंट अन् आंटिकोआगुलेंट थेरापी इज स्पेशली मनिटर्ड फर। तो कौन कहला गोटे क्लाएंट अच्छी गोटे पेसेंट अच्छी जोटा कि सी आंटिकोआगुलेंट थेरापी अच्छी। आंटिकोआगुलेंट कहले आम कोआगुलेशन होगापी जो मेडिकेसन आमको दिए ना कोआगुलेंट कहले क्लॉट क्लॉट फॉर्मेशन करने जो मेडिकेसन दिए नहीं तो से मेडिसिन तार कंटिन्यू चली। तो तार कौन मेनली मनिटर कर देखो नजिया चेस्ट पेन इनसोमनिया दैट इज आउ ऑप्शन डी दैट इज हेमाचुरिया ठीक अच्छे। नजिया कहले आमर से देखेब ना चेस्ट पेन भी हेबना इनसोमनिया भी हेबना मेनली आम मॉनिटर करवा क्या ना हेमाचुरिया जेहेतु तार एंटीकोएगुलेंट थेरापी चली। तो ब्लीडिंग पैटर्न आम एक्सेस हुए मेनली नाजाल ब्लीडिंग हुए मेनली हेमाचुरिया भी हुए ठीक अच्छे। तो आर राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी दैट इज हेमाचुरिया। तो हेमाचुरिया कहले कौन ना यूरीन रे आम ब्लड आसवाक आम हेमाचुरिया कही था जोटा कि ब्लड इन यूरिन होची हेमाचुरिया ठीक अच्छे। आपन को निश्चिंत बुझीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइन दैट नर्स वुड ऑब्जर्व हाइपोवोलेमिक शॉक इज। तो गोटे इम्पोर्टेंट साइन गोटे नर्स दैट ऑब्जर्व हाइपोवोलेमिक शॉक गोटे इम्पोर्टेंट साइन कौन देखेब जोटा कि जन नर्स भाव कि हाइपोवोलेमिक शॉक को पेसेंट जाऊँ देखु ऑप्शन देखु ऑप्शन ए हाइपरटेंशन ऑप्शन बी टैकिपनिया ऑप्शन सी ऑलिगुरिया ऑप्शन डी दैट इज सियानोसिस। तो ऑप्शन ए हाइपरटेंशन एटा तो आप जानते हैं हाइपरटेंशन कहले हाई ब्लड प्रेशर टैकिपनिया कहले हाई
ହାଇ ଆମର ବ୍ରିଦିଂ ପାଟର୍ନ, ଅଲିଗୁରିଆ କହିଲେ ଆମର ଲେସ୍ ୟୁରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେସ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସିଆନୋସିସ୍ ଦେଇଛି, ସିଆନୋସିସ୍ କହିଲେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଟିସୁକୁ ସେଲ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ତ 4 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ତ 4 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲିଗୁରିଆ। ତ ଅଲିଗୁରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା, ଅଲିଗୁରିଆ ହେଲେ ଯଦି ଆମର ହାଇପୋଭୋଲିମିଆ ଥିବ, ଦେନ୍ ଅଲିଗୁରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ଆମ ବଡି ଯେହେତୁ ମାନେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନଟେକ୍ କମିଯାଇଛି, ତ ବଡିରେ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନଟେକ୍ କମିଯାଇଛି, ତ ବଡି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଚାହିଁବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡି କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ବଡିରୁ ମାନେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି, ମାନେ ୟୁରିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡି ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଦେଖେଇବା କଥା ୟୁରିନ୍, ତ ସେତିକି ଆମର ଦେଖେଇବନି, କାରଣ ବଡି ସବୁ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି, ତାକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲିଗୁରିଆ ହେଉଛି ଆମର ଲେସ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର, ନର୍ମାଲ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ। ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନର ନର୍ମାଲ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ରେଟ୍ କେତେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବିଟ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, 20-40 ବିଟ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ସି ହେଉଛି 40-60 ବିଟ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 60 ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍। ତ 5 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? 5 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି, 40-60 ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, 40-60 ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେସ୍ରେ 40-60 ବର୍ନ ମେନ୍ଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାକିପ୍ନିଆ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ରେଟ୍ ରୁହେ, ଯେଉଁଟାକି 40-60 ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍। ତ ଆମର ମେନ୍ଲି ଆଡଲ୍ଟରେ ମେନ୍ଲି 16-20 ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଯଦି ପଚାରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 16-20 ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 6 ନମ୍ବର, ଏ ପେସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲୋ T3 ୱିଲ୍ ହାଭ୍। କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର କି T3 T4 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର ଲୋ ଅଛି, ୱିଲ୍ ହାଭ୍, ତା'ର ମେନ୍ଲି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଇରିଟାବିଲିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରୋଫ୍ୟୁଜ୍ ଡାଇଫୋରିସିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଟାକିକାଡ଼ିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, T3 T4 TSH ଆମର କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମେନ୍ଲି T3 T4 ଯେହେତୁ ଲୋ ଅଛି, ତା'ର ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ଆମର ହେଇଥିବ, ମେନ୍ଲି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ରେ ଆମର T3 T4ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ T3 T4 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେହେତୁ କମିଛି, ତା'ର ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ରେ ଆମର ମେନ୍ଲି କୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଜମା ବି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ିଜିମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର T3 T4ରେ ମେନ୍ଲି ଯଦି କମେ, ମେନ୍ଲି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଜେନିକ୍ ସକ୍। ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଜ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ, କାର୍ଡ଼ିଓଜେନିକ୍ ସକ୍ର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଓଭରଲୋଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଫେଲୁଅର୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇପୋଭୋଲେମିଆ। ତ କାର୍ଡ଼ିଓଜେନିକ୍ ସକ୍ କହିଲେ ଆମର ମେନ୍ଲି ହାର୍ଟକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି, ଆଧରେ ଏମିତି କିଛି ବି ହାର୍ଟ ନାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାରେ, କେବଳ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଫେଲୁଅର୍। ଯଦି ଆମର LVF ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି, ମେନ୍ଲି ଆମର କାର୍ଡ଼ିଓଜେନିକ୍ ସକ୍ ଅଥବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 7 ନମ୍ବରର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ପେସ୍ ମେକର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ପେସ୍ ମେକର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? SA node, AV node, ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ହିଞ୍ଜ, ପୁର୍କିଞ୍ଜି ଫାଇବର୍ସ। ତ SA node କହିଲେ ସାଇନୋଆଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ଼, AV node, ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ହିଞ୍ଜ, ପୁର୍କିଞ୍ଜି ଫାଇବର। ତ ଆ ଭିତରୁ ଆମର ପେସ୍ ମେକର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବା କଥା। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ SA node। SA node ଅଥବା ଆମର ସାଇନୋଆଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ଼ ହେଉଛି ପେସ୍ ମେକର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ମାନେ ମେନ୍ଲି ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି କାମ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନୋଆଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ଼ କହିଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଏଇଠି ଆମର ସାଇନୋଆଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ମେନ୍ଲି ଏଇ ପାର୍ଟରେ
थाए तो यहाँ आम साइनोट्रियल नोड। तो आप देखिदेवे ये चित्रटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नौ नंबर। नौ नंबर कौन अच्छी, तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज। तो नॉर्मल वॉल्यूम आमर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रो नॉर्मल वॉल्यूम केते, 20 रु 50, 50 रु 100, 125 रु 150, 150 रु 200। ठीक अच्छे, नॉर्मल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आमर वॉल्यूम रो केते। तो राइट आंसर कौन हम, राइट आंसर होची ऑप्शन सी, दैट इज 125 रु 150 ml। तो सीएसएफ रो नॉर्मल वॉल्यूम होची 125 रु 150 ml। तो देखि दोची आपनकु, तो सीएसएफ फ्लूइड कहले आमर मेनली जो रहिला जो आमर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रे जो आमर फ्लूइड रुहे ताको आमर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाए। सेरेब्रो ओ जो आम सेरेब्रम ताउ स्पाइनल फ्लूइड। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, दस नंबर। इन पाराप्लेजिया, इन पाराप्लेजिया पारालीसीस इनवल्व्स। तो पाराप्लेजिया पारालीसीस कहले आम मैं मेनली कौ एक्सट्रीमिटीज आम इनवल्व्स होता है। ऑप्शन ए ऑल ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी वन साइड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी दैट इज ओनली अपर एक्सट्रीमिटीज। तो मेनली आम पाराप्लेजिया पारालीसीस कहले आम कौन बुझू, तो दस नंबर राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करूँ, यहाँ भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ऑप्शन ए हूँ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, तो केबे भी नुहे ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज, वन साइड ऑफ द बॉडी हेले आमर हेमिप्लाजिया, वन साइड ऑफ कले आमर हेमिप्लाजिया, तो ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज एटा होची राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज। मेनली आमर लोअर लेग्स आमर हिप ये सब पाराप्लेजिया पारालीसीस रे इनवॉल्व होता है। ठीक अच्छे, आपको आंसर निहाती जाना पड़ थी, ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज होची राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखु यहाँ मुझे पारालीसीस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग बोथ लेग्स इज कॉल्ड पाराप्लेजिया। पारालीसीस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इज क्वाड्रिप्लेजिया। पोस्ट पारालीसीस इज ड्यू टू स्ट्रोक्स और इंजुरी सच एज स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और ए ब्रोकन नेक। ठीक अच्छे, किसी भी कारण पारालीसीस होता है, आउ जदि आमर बोथ आर्म आउ लेग इनवॉल्व होची देन क्वाड्रिप्लेजिया, आ जदि आमर वन साइडेड होची हेमिप्लाजिया, आउ जदि आमर लोअर माने हिप आउ लोअर लेग को इनवॉल्व होची देन आमर सेटा कुआगला कौन ना पाराप्लाजिया। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एगार नंबर। एगार नंबर क्वेश्चन देखिए, वन टेबुल स्पून इज इक्वल टू। ठीक अच्छे, वन टेबुल स्पून कहले आमर सेटा केते एमएल। ठीक अच्छे, वन टेबुल स्पून इज इक्वल टू हाउ एमएल। तो देखो ऑप्शन ए पाँच, ऑप्शन बी दस, ऑप्शन सी पंद्रह, ऑप्शन डी कोड़े। तो राइट आंसर आदर कौटा गोटे टेबुल स्पून कही टी स्पून कही आपग ध्यान दिं। तो ये क्वेश्चन सब मेनली भूल हुए टी स्पून टेबुल स्पून। ठीक अच्छे, तो देखु आमर टेबुल स्पून कहले के, तो आंसर कौन हम ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर दैट इज पंदर एम एल। तो गोटे टेबुल स्पून कहले, गोटे टेबुल स्पून कहले दैट इज पंदर एम एल। ठीक अच्छे, आदि गोटे टी स्पून कह देन गोटे जी टी स्पून कह दैट इज 5 ml। तो आपको ये डिफरेन्सटा निश्चिंत मन रखा पड़ो, गोटे टेबुल स्पून कहले 15 ml, गोटे टी स्पून कहले 5 ml। तो आपको निश्चिंत जना पड़ थो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, बार नंबर। बार नंबर देखी नि, वन टेबुल स्पून आकचुअली हूँ एतिक मिल लिटर, कितु आम मेनली आपको धरचे 15 ml। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस दैट अकर्स ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस कहले आमर माने ब्लड किसी प्यूरीफाई गोटे मेसीन साहर हुए आमर हेमोडायलिसिस कह जाए। तो हेमोडायलिसिस रे मेनली कॉम्प्लिकेशन कौन थाए देखो, मसल क्रैम्प्स, हाइपोटेंशन, एयर एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा। तो हाइपोटेंशन ये स्पेलिंग भूल अच्छे, आप जानते SIONA एटा एटा भूल मिस्टेक हो जाए। तो देखो आर राइट आंसर कौन हम, तो हेमोडायलिसिस रे मेनली आमर ब्लड प्यूरीफिकेशन हुए। ठीक अच्छे, मेनली हेमोडायलिसिस रे कौन हुए मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होची हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कहले लो बीपी, तो ब्लड प्रेशर आमर लो हुए मेनली हेमोडायलिसिस रे। ठीक अच्छे, आपड़ निश्चिंत भी जानते क्वेश्चन आंसर, हेमोडायलिसिस रे मेनली आम ब्लड प्रेशर कमार चान्स थाए से सब को मैंने ब्लड प्रेशर को देखिकी मैंने फिजिशियन मैंने एडवाइस करते डायलिसिस। यही हेमोडायलिसिस मेसीन गोटे आम बॉडी को बॉडी ब्लड को लेकर प्यूरीफाई कर पूरी बॉडी को इंजेक्ट होता है। ठीक अच्छे, तो एथिरे मेनली आम कॉम्प्लिकेशन नुहे लो बीपी। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। द डिकोक्सिन विथ हेल्प,
इफ द पल्स रेट इज लेस दैन तो डिगोक्सिन केतेबेले बंद हबो जेतेबेले हमर पल्स रेट केते रहिबो तो जेतेबेले हमर पल्स रेट केते रहिबो जेमति कि हमें डिगोक्सिन होल्ड करिबा तो देखंतु ऑप्शन ए 40 मिनिट 40 पर मिनिट 50 पर मिनिट 60 पर मिनिट 70 पर मिनिट तो केते बीट पर मिनिट रे हमर डिगोक्सिन को हमें होल्ड करिबा तो आर राइट आंसर कोन हबो तो डिगोक्सिन मेनली हमर हार्ट बीट को कमेबा को दिया हुए तो जदि हमर मेनली रहूची 60 बीट पर मिनिट हार्ट रहूची आमे डिगोक्सिन को अवॉइड करिबा होल्ड करिबा तो आर राइट आंसर हबो 60 पर मिनिट तो 60 बीट पर मिनिट रे आमे डिगोक्सिन को विथड्रॉल करिबा कारण आमर डिगोक्सिन ब्राडिकार्डिया करै थै ठीक अछि तो आर राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी दैट इज 60 पर मिनिट तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसस इज टेकन इन एवरी केते इयर रे हमर गोटे सेंसस माने निया हुए ठीक अछि सेंसस इज टेकन इन एवरी माने केते वर्ष रे हमर गोटे सेंसस निया हुए तो ऑप्शन ए 5 वर्ष ऑप्शन 10 वर्ष ऑप्शन सी 15 वर्ष ऑप्शन डी 20 वर्ष आपन को एहा निश्चित जाना थिबो कि गोटे सेंसस हमर 10 इयर्स रे निया जाय मेनली सेंसस कहिले हमर टोटल जियोग्राफिकल डाटा तो सेंसस कहिले हमें गोटे हम कंट्री रे केते पॉपुलेशन अछि केते को माने जॉब करछन्ति माने तांकर लाइफस्टाइल केमिति सब जानिया पय हमर गोटे सेंसस हुए ठीक अछि हमर लास्ट टाइम पे 2011 रे सेंसेशन हेतिला जोटा कि 2021 10 वर्ष पर हेबा कथा किंतु कोविड सकासे हमर एटा हे नाही ठीक अछि त आपण निश्चिंत जानले कि 10 वर्ष पर हमर सेंसस हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर द एंटीडोट ऑफ हेपारिन इज तो हेपारिन नो एंटीडोट कोन एटा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत समय रे परीक्षा रे पढी जी तो एंटीडोट ऑफ हेपारिन इज कोन एंटीडोट ऑफ हेपारिन ऑप्शन देखंतु कैल्शियम ग्लूकोनेट विटामिन के प्रोटामिन सल्फेट एट्रोपिन तो आपण को निश्चित जाना थिबो आम एंटीडोट कहले माने तार नेगेटिव हेपारिन हेपारिन जेतेबेले किछि भी हमर माने एक्सेस हे जाय छी त हमर ताकू कमे पे कोन दे हुए ना प्रोटामिन सल्फेट दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर दैट इज प्रोटामिन सल्फेट तो हेपारिन को हमर न्यूट्रलाइज करिया पे हेपारिन को न्यूट्रलाइज करिया पे हमर प्रोटामिन सल्फेट यूज हेते तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन आन इमीडिएट पोस्ट एनेस्थेसिया क्लाइंट तो गोटे पोस्ट एनेस्थेसिया क्लाइंट आम कति आसा तो आम इमीडिएट असेसमेंट कौन रोक मॉनिटर वाइटल साइन चेक गैग रिफ्लेक्स असेस पेन असेस एयरवे पटेन्सी तो मेनली आमर कौन असेसमेंट रोक गोटे पोस्ट एनेस्थेसिया क्लाइंट को तो मॉनिटर वाइटल साइंस एटा भी आम रोक कि मेन मेन प्रायोरिटी एटा दे चेक गैग रिफ्लेक्स एटा भी आम देखा असेस पेन भी एटा देखा कि सबू मेनली प्रायोरिटी आम देवा असेस एयरवे पटेन्सी मेनली तार एयरवे पटेन्सी क्लीयर अच्छे ना नहीं आमको सेटा देखा पड़ो कारण एनेस्थेसिया मेनली जाए नए एनेस्थेसिया जो आम पीरियड थाए तो एनेस्थेसिया जो मेनली आम एनेस्थेसिया जो सेडेशन पीरियडटा तार जाए नए तो से एयरवे आमर किसी ब्लॉकेज कारण एयरवे फंक्शनल नहबार आमर से ब्लॉक होबार चांस थाए तो मेनली असेस द एयरवे पटेन्सी पटेन्सी आम ठीक अच्छे ना नहीं यहाँ आमको देखा पड़े 16 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देन 17 नंबर क्वेश्चन को जीवा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन Which one of the following is water soluble vitamin? तो आ भितर हमर water soluble vitamin किए vitamin A ना vitamin C ना vitamin D ना vitamin K तो आर राइट आंसर कौन आपण जे जानछन निश्चिंत तळ कमेंट कर दियंतु तो 17 नंबर रो राइट आंसर होउची दैट इज vitamin C होउची हमर water soluble vitamin तो ठीक अछि तो आपण को मु देखि दोची गोटे चार्ट तो वाटर सोल्युबल विटामिन कहले हमर को माने जाउछन्ती को विटामिन माने जाउछन्ती तो विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 एंड विटामिन सी होची हमर वाटर सोल्युबल विटामिन्स जोटा कि तार अदरवाइज ना दे दी देखंतु B1 थायामिन B2 राइबोफ्लाविन आपण जदि आकु चाहंती स्क्रीनशॉट करिक भी पढ़ी पारिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे छी देखंतु 18 नंबर द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरेब्रल स्टेटस तो गोटे मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरेब्रल स्टेटस तो सेरेब्रल रो हमरा स्टेटस कोन अछि आमे कोथिरु जानि परबा ऑप्शन ए पिपुलरी रिस्पोंस ऑप्शन बी रिस्पोंसेस टू पेन ऑप्शन सी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑप्शन डी दैट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस तो गोटे आमर मेनली आपण मन जानिथिबे सेरेब्रल रो स्टेटस जानिया पई आमर मेनली कैलकुलेट हुए जीसीएस जोटा कि ग्लासगो कोमा स्केल तो ग्लासगो कोमा स्केल आमर कोन हुए ना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमर मपा हुए तो एठी हमर सेरेब्रल स्टेटस को जानिबा पई माने ब्रेन रो स्टेटस को हमर जानिबा पई मेनली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेनली देखा जाय ठीक अछि तो 8 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे छी द यूरिनरी आउटपुट ऑफ ए क्लाइंट फॉर 24 आवर्स व्हाट्स 35 350 ml
द नर्स हाज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन आज गोटे पेसेंट अच्छी जो जहाँ कि यूरीन आउटपुट आम 24 घंटा 350 ml है तो से गोटे नर्स आम कौन ऑब्जर्वेशन करो कौ डॉक्यूमेंट को आम आधार करी कौन ऑब्जर्वेशन करो ऑप्शन ए देखो एनुरिया ऑप्शन बी देखो पॉलीयूरिया ऑप्शन सी देखो डिसयूरिया ऑप्शन डी दैट इज ओलिगुरिया तो एनुरिया कहले आम आबसेंस ऑफ यूरीन पॉलीयूरिया कहले आम एक्सेस यूरीन डिसयूरिया कहले आम डिफिकल्टी इन यूरिनेशन देन ऑप्शन डी हूँ ओलिगुरिया ओलिगुरिया कहले आम यूरीन आउटपुट आम कम हाँपाइर ओलिगुरिया कह जाए तो आर राइट आंसर कौन दैट इज ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर दैट इज ओलिगुरिया तो 24 घंटा में आम जब 350 ml है आम ओलिगुरिया हिसाब से कनसीडर करवा आपको मुझे देखे दूँ तो देखो ओलिगुरिया कहले ओलिगुरिया इज ए मेडिकल टर्म फॉर लो यूरिन आउटपुट इन द केस ऑफ एन एडल्ट दिस मीन्स लेस देन 400 ml टू 500 ml यदि 400-500 ml भितर आम 24 घंटा भितर हो कम हो देन आम ओलिगुरिया हिसाब से कनसीडर करवा तो नॉर्मल आम यूरिन आउटपुट के आप मन भी प्रश्न आसोब मुझे देखे दूँ द नॉर्मल रेंज फॉर 24 आवर यूरिन वॉल्यूम इज 800-2000 मिलीलीटर पर डे ठीक अच्छे आउ जदि आप विथ नॉर्मल फ्लूइड इनटेक तो 800-2000 ml हमारे पर डे हूँ नॉर्मल रेंज तो आधे आम देखु नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज डिफाइंड आज 1.5-2 ml पर केजी पर आवर तो आपणकर 1.5-2 ml आपणकर जदि 60 केजी अछि देन आपणकर 2 × 60 हेले केते 120 ml होची आपणकर पर आवर रे यूरिनेशन हेबा दरकार आ सेटा होची नॉर्मल ता सहित आपण मानकर जो रहिला फ्लूइड इनटेक सेटा भी आपणकर नॉर्मल थिबा दरकार ठीक अछि तो आपण मान बाबूजी बुझी पर्थिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे छि 20 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए तो कोन कहिला टी ना को फूड आइटम्स आदरे माने सबुठु अधिका विटामिन ए कंटेंट करे ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स ऑप्शन बी राइस एंड पोटैटोज ऑप्शन सी ग्रीन ग्राम एंड डाल ऑप्शन डी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो विटामिन ए आम आधे को फूड कंटेंट करे अधिका तो आज देखो ऑप्शन ए हूँ दैट इज राइट आंसर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स आम मेनली विटामिन ए अधिका थाए तो देखो आप देखे दूँ विटामिन ए रे को लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेनाच ब्रोकोली केल ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स कैरट स्वीट पोटैटोज पंपकिन एंड अदर विंटर स्क्वाश समर स्क्वाश ठीक अच्छे देन आम टमाटोज भी जाऊँच रेड बेल पेपर भी जाऊँच आमर कंटालू जाऊँच मैंगो जाऊँच बीफ लिवर जाऊँच फिश ऑयल जाऊँच मिल्क जाऊँच तो ये सब आम कंटेन कर विटामिन ए मिल्क एग ए सब कंटेन कर विटामिन ए तेन देखु 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर कौन दे नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल तो क्रिएटिनिन लेवल आम नॉर्मल के देखो ऑप्शन ए 0.5-1.5 mg/dL mg/dL 1.5-3 mg/dL 3-5 mg/dL 5-8 mg/dL तो नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल केते आर डायरेक्ट आंसर हो 0.5-1.5 mg/dL ई मेन आउ वुमेन रे टिके भारी करे किंतु मेनली हमर नॉर्मल हो 0.5-1.5 mg/dL तो 21 नंबर राइट आंसर हो ऑप्शन ए ठीक अछि तो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ड्यूरिंग सीपीआर ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट व्हाइल परफॉर्मिंग द चेस्ट कंप्रेशन द डेप्थ इज तो जितेबाला आमर जने गोटे एडल्ट क्लाइंटर सीपीआर होउची तार कंप्रेशन आमर डेप्थ डेप्थ कंप्रेशन कहले आमर चेस्टटा केते दबिबा कथा तळगु ठीक अछि तो देखो ऑप्शन ए 3 inches 2 inches 7 inches 5 inches तो आमर एटी इंचेस हिसाब से देइछ माने आर राइट आंसर हबो दैट इज बी दैट इज 2 inches तो 2 inches इज इक्वल टू आमर 5 cm ठीक अच्छे तो आमर 2 inches और 5 cm मेनली आमर सीपीआर बेले चेस्टर डेप्थ कंप्रेसनटा जो चापे जो आम तो से चापीटा मेनली 2 inches और 5 cm चापिले ही आम प्रपर सीपीआर ताक कह जाए ठीक अच्छे आपण को निश्चिंत यहाँ बुझा पड़ थो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन भी आसे मोस्ट क्वेश्चन आसे एग्जाम रे तो देखो मिनिमम डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेसन दैट इज कंप्रेसन डेप्थ फॉर एडल्ट्स इज मिनिमम 5 cm और 2 inches ठीक अच्छे आर राइट आंसर हूँ 5 cm और 2 inches तो आपको भिडियोटी केमी लगे भावुचे आपको निश्चिंत भिडियो भल लगी तो आपको बिंगेनर्स तरफ बहुत बहुत थैंक्स आपर्तंत जाए भिडियो को देखी तो आपको जब भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक कमेंट और सांग सहित निश्चिंत सेयार करूँ से भी जमी भिडियो को भिडियो किसी भी लाभ पारे तो जदि चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ जमीक आपने किसी भी अपडेट किसी भी न्यूज जिनस किसी भी क्वेश्चन आंसर भिडियो आपने मिस न करती नेक्स्ट भिडियो आसपा वेट करता तो आज ये रही जय जगन्नाथ।